नमस्कार मेरे दोस्तों, आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। लास्ट टाइम मैंने आपको एक चैनलिंग फेंसिंग जो बिजनेस है उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन दी थी, जिसमें आप लोगों ने बहुत कम समय में और बहुत अच्छा रिस्पांस मुझे दिया, जिससे वाकई मुझे बहुत खुशी हुई है। ये एक फैक्ट है, क्योंकि मैंने वो वीडियो बस एक सामान्य रूप से डाला था। मेरी बहुत ज्यादा कुछ महत्वाकांक्षाएं नहीं थी उसको लेके, उस वीडियो को लेके। एक सामान्य सी इच्छा के तहत मैंने अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए उस बिजनेस वीडियो को डाला था। मतलब आप लोगों ने जो मुझे सहयोग दिया और आप लोगों ने जो रिस्पांस दिया, उससे मैं उत्साहित होकर अब ये दूसरे वीडियो भी आपके सामने बना रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको बहुत अच्छी लगेगी। जब मैंने वो वीडियो डाला तो बहुत सारे ऑपरेटर जो ऑलरेडी इस व्यवसाय में है, उन्होंने मेरे से कुछ सवाल किया था। उन सवालों का जवाब मैं आपको आज अपने वीडियो में देता हूँ। वो तीन सवाल थे। तीन सवाल क्या थे? पहला कि साहब, मशीन चलाते हैं तो मशीन चलाते समय जो जाली निकालते हैं हम, तो वो जाली शेप में नहीं आ रही, मतलब जो शेप निकलता है वो शेप नहीं निकल रहा है, गोल गोल निकल रही है। एक समस्या। दूसरी समस्या आती है उनको कि जाली जब निकाल रहे हैं तो जाली तिरछी निकलती है, मतलब एक बराबर निकलनी चाहिए, फ्लैट निकलनी चाहिए, फ्लैट ना होके क्या हो रहा है, वो तिरछा भाग रहा है। तीसरा भागने के कारण क्या होता है कि वो सही शेप में नहीं आएगा, तो उसकी बीविंग नहीं हो पाएगी। ये दो समस्या। तीसरी एक समस्या लोगों को जो आ रही थी, वो ये आ रही थी कि बहुत से लोगों ने मुझसे ये पूछा है कि किसी जाली का वजन, किस वायर के साथ में किस साइज का जाली अगर हम बनाते हैं तो उसका एक्यूरेट वजन कितना आएगा। जैसे कि एक आइडियल मैं आपको बता रहा हूं कि 9 गेज की वायर लेते हैं और 50 mm बाई 50 mm का ओपनिंग है जाली, जिसको 6 फीट हाइट देते हैं, तो उस कंडीशन में 50 फीट लेंथ का वजन क्या आएगा। अब ये थोड़ा टिपिकल टाइप का क्वेश्चन है, जिसमें बहुत सारे मैन्युफैक्चरर क्या बोलते हैं कि इसको सर वो तो वजन करके बताना पड़ेगा, बट ऐसा नहीं है। साइंस, विज्ञान और गणित में इन सभी चीजों का जवाब है, ठीक है। तो वो एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले के थ्रू आप उसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये चीज भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो कृपया इस वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहली समस्या, तो अब हम बात करते हैं मशीन को ऑपरेट करते हैं, तो ऑपरेट करने के समय जो समस्या आती है, उनमें से सबसे पहली समस्या कि जाली जब निकालते हैं तो जाली की जो डाई होती है, उस डाई के अंदर से जाली जो शेप में निकलनी चाहिए, शेप में ना निकल के क्या निकलती है, आपका गोल गोल निकलती है। तो वो गोल गोल क्यों निकलती है, मैं आपको वो बताता हूँ। गोल गोल निकलने का सबसे मेजर फॉल्ट है और प्रॉब्लम वो है कि आपकी वो जो डाई आपने लगाई है, मशीन में जो डाई लगी है, डाई का वाटर लेवल सही नहीं होगा, पहला चीज। तो आपको सबसे पहले अपनी मशीन के डाई का वाटर लेवल चेक करना है। अगर वाटर लेवल सही है तो दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट, जो पट्टा लगता है, जो लोहे की एक स्ट्रिप लगती है, उस स्ट्रिप को आप चेक कीजिए। वो जो स्ट्रिप होगी वो कहीं ना कहीं आपका जो आईडी है, आईडी मतलब डाई है, डाई के जो अंदर का जो सरफेस है, उस सरफेस में वो एकदम फिट आना चाहिए। अगर उसके बीच में गेप आता है, मतलब कि अगर पट्टा डाई के सरफेस के अंदर में जाता है और उसके बावजूद भी उसमें गेप है, तो उस गेप होने के कारण भी क्या होता है कि आपकी जो जाली है ना, वो राउंड 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 निकलेगी। इस कंडीशन में आपको सिर्फ यही करना है कि आपको पट्टा चेंज करना है। पट्टा चेंज करेंगे आप तो वो आपका सरफेस सही आ जाएगा, ठीक है। दूसरी समस्या आती है कि साहब, 2-4 बार जाली सही निकलती है, फिर जाली तिरछी हो जाती है। तो ये एक मेजर समस्या है। ये समस्या दो चीजों से आती है, एक तो आपका रॉ मटेरियल खराब होगा, दूसरा आपका पट्टा खराब होगा। दो में से तीसरी कोई प्रॉब्लम यहां पास नहीं आएगी। तो दोनों कैसे खराब होंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूं। सबसे पहले रॉ मटेरियल खराब होगा का मतलब ये होता है कि जो जीआई वायर का बंडल आपने लिया हुआ है, वो जब फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है तो क्या होता है कि बहुत जगह वो कहीं सॉफ्ट हो जाता है, कहीं हार्ड हो जाता है, कहीं सॉफ्ट हो जाता है, कहीं हार्ड हो जाता है। तो जब तक का मटेरियल सॉफ्ट रहेगा, बड़े आराम से निकलेगा, वहां आपको कोई तकलीफ नहीं होनी है। मगर यदि बीच में वो थोड़ा सा हार्ड आ गया, थोड़ा बहुत तो चल जाता है, बट अगर थोड़ा ज्यादा हार्ड हो जाएगा तो क्या होगा, वो शेप बराबर मुड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो थोड़ा सा वहां पर बैंड निकल सकता है। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण ये है, तो इससे बचने के लिए क्या करना है, आपको वायर को चेक करना है कि वायर आपका सॉफ्ट है कि नहीं है। दूसरा कारण अपन लेते हैं कि पट्टा खराब होगा। पट्टा खराब होगा का मतलब ये है कि कई बार क्या होता है कि पट्टा हम लोग काफी समय से यूज करते रहते हैं ना,
तो पट्टा घिस जाता है। वो पट्टा घिस जाता है इसलिए भी जाली तिरछी निकलती है, या तो फिर आपका जो पट्टा है वो पट्टा अच्छे लोहे का नहीं है। अच्छे लोहे का नहीं है का मतलब ये होता है कि पट्टा जो अपने को यूज करना है ना वो एमएस का नहीं यूज करना है, क्योंकि एमएस का पट्टा जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है। वो सॉफ्ट होने के कारण क्या होता है कि वो जल्दी जल्दी मुड़ जाता है, बैंड हो जाएगा। इसलिए जब भी आप जाली के डाई के अंदर का जो पट्टा यूज कर रहे हैं वो पट्टा आपका कम से कम EN9 कैटेगरी का लोहा होना चाहिए। EN9 हाई कार्बन का लोहा होता है जो कि बहुत ही हार्ड होता है। इसलिए उस पट्टे को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो पट्टा क्या होगा आपको एक परफेक्ट साइज में मेज बना के देगा। वैसे मैं सभी को रिकमेंड करता हूं कि EN9 से ऊपर के मटेरियल से ही आप पट्टा बनाएं और वो पट्टा आपका जो है लॉन्ग लास्टिंग चलेगा, वो घिसेगा भी नहीं बहुत जल्दी। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपका रॉ मटेरियल हार्ड है तो आप एक और ऑप्शन यूज कर सकते हैं कि अपने जो तार का बंडल है उस तार के बंडल में थोड़ा सा जला हुआ ऑयल इस्तेमाल कीजिए। जला वाला ऑयल इस्तेमाल करेंगे तो वो आपका काफी हद तक का प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। ये हो गई दो तीन समस्याएं दोस्त, तीनों समस्याओं का मैं आपको समाधान बता दिया हूं। अब इसके बाद जो वो कैलकुलेशन वाला है, ठीक है, कि वेट कैसे कैलकुलेट किया जाए, कि किसी लेंथ का किसी सर्टेन साइज में अगर मटेरियल आ रहा है तो उस मटेरियल का वेट को कैसे कैलकुलेट किया जाए, तो उसका एक मैथमेटिकल फार्मूला है। वो फार्मूला आपको इस लिंक में, इस वीडियो के लिंक में मिल जाएगा, वॉइस रिकॉर्डिंग के साथ में वो फार्मूला है, तो आप उसको देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आपको अगर मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, और मैं चाहूंगा कि आप यदि इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो लाइक करें, ताकि आप अगर मुझे लाइक करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे और ज़्यादा उत्साह आएगा, मुझे प्रोत्साहन मिलेगा और मैं और भी जानकारी आपके सामने नई नई जानकारी आपको देता रहूंगा। ठीक है दोस्तों, चलो आज के लिए मैं दिलीप श्रीवास्तव आप सभी से अलविदा लेता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे इस वीडियो को देखा, पसंद किया और मुझे प्यार दिया। तो प्लीज हमारे साथ बने रहिए आने वाले समय के लिए, क्योंकि आने वाले समय में मैं आपको और भी बहुत सारी जानकारी देता रहूंगा। धन्यवाद मेरे दोस्तों।